आज से 4 साल पहले से ही मैंने एक मन बना लिया था कि हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे और अब की बार कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी और मुझे आस भी है कि आगे भी टिकट मेरे को मिलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में मैं सेकंड पर रहा था, तो इस आधार पर टिकट भी मेरी बनती है, लोगों का प्यार भी मेरे साथ में है। मैं तो पार्टी को कहूँगी सर्वे करवा करके देखें, अगर सर्वे में वो अच्छे हैं तो उनको दे, मैं अगर मैं उनसे अगर पार्टी को लगता है कि भाई बहादुर सिंह को देने से फायदा होगा तो मेरे को दे। जहाँ तक के पार्लियामेंट की चुनाव की बात है, पार्लियामेंट का चुनाव मैंने 2014 में भी इस प्रकार से लड़ा और माननीय ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे लोकदल की टिकट दी और उसको लेकर के इस प्रकार की आंधी थी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी थी, उसको लेकर के जब 14 में मैंने चुनाव लड़ा तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी जी की आंधी में अच्छे अच्छे, मैं ये कहूँ कि अच्छे अच्छे पेड़ भी उखड़ गए, लेकिन मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को लोगों ने जिस प्रकार का मान सम्मान दिया और जिस प्रकार से मैंने चुनाव लड़ा वो मात्र मैं 46,000 वोटों से पराजित हुआ और हमें चुनाव इतना प्यार से लड़ा और फिर जिस प्रकार का चुनाव रहा उसमें हमारे जीतने वाले कैंडिडेट धर्मवीर जी थे बीजेपी और मैं दूसरे नंबर पर था, तीसरे नंबर पर हमारी बहन सुरति थी, तो इसलिए मेरे एक मन की बात भी है, लोगों का मेरे साथ में प्यार भी है। मैं 14 में चुनाव जिस प्रकार से पराजित हुआ उसके बाद में दोबारा चुनाव हुए तो मैं कांग्रेस पार्टी में चला गया था, मैंने तब भी कांग्रेस पार्टी से गुहार लगाई थी कि आप मेरे को अपनी पार्टी की टिकट दें ताकि मैं आपकी टिकट निकालने में सक्षम रहूँगा और पार्टी को मजबूत करें, लेकिन किसी कारणवश से मेरे को टिकट नहीं मिली और वो फिर हमारी बहन सुरति चौधरी को टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन रिजल्ट इस प्रकार का निकला कि पहले तो शायद मैं 46,000 वोटों से हारा लेकिन सुरति चौधरी तकरीबन 5,00,000 वोटों से पराजित रही। तब भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने उसके साथ में लग करके काम किया, लेकिन उसके बाद में मैं बराबर बराबर जब भी आज से 4 साल पहले से ही मैंने एक मन बना लिया था कि हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे और अब की बार कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी और मुझे आस भी है कि आगे भी टिकट मेरे को मिलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में मैं सेकंड पर रहा था, तो इस आधार पर टिकट भी मेरी बनती है, लोगों का प्यार भी मेरे साथ में है। तो मैं वैसे तो पार्टी से किसी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि पार्टी मुझे टिकट देगी और पार्टी जब टिकट देगी तो ये बात मैं कह सकता हूं कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं भिवानी दादरी महेंद्रगढ़, इनमें मैं भारी मतों से जीत करके पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगा, क्योंकि कोई नई बात नहीं है। पीछे 15 अगस्त को हमने दादरी के अंदर एक स्कूल का उद्घाटन करवाया और लोगों की जिस प्रकार का हमने जाकर के लोगों को निमंत्रण दिया और जिस प्रकार की लोगों का मुझे प्यार मिला उसको लेकर के मैं अपने दावे से कह सकता हूँ कि शायद कोई पूरी पार्टी भी लग जाए तो भी इतनी बड़ी जनसंख्या जोड़ नहीं सकता, लेकिन क्योंकि आपने भी जिस प्रकार से देखा होगा वहाँ 1,00,000 आदमी थे और उस प्यार को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरे को टिकट देगी। पीछे हमने आपके यहीं करीना में हमने एक यहाँ भी एक प्रोग्राम किया, उसमें 14 जनवरी का प्रोग्राम था, उसमें भी जिस प्रकार का जनसलाब आपके साथ में था, मैं ये कहूँ कि 1,00,000 आदमी 14 तारीख को, उससे पहले दिन भी मेरे ख्याल में 25,000-30,000 आदमी थे और जिस प्रकार का सलाब प्यार मिला उसको लेकर के आज भी लोगों के दिल में खसक है और मैं भी जहाँ तक समझता हूँ कि जिसका हमारे चीफ गेस्ट हमारी बहन अपनी आशा हुड्डा उनकी अध्यक्षता हमारी शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने की थी, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी मेरे ख्याल में जिस प्रकार का आज मोदी जी की फिर दोबारा चुनाव आएंगे उसको लेकर के मैं कह सकता हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो 100% हम जीत करके जाएंगे, पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे।
और बाकी पार्टी की अपनी नीतियां हैं वो अगर किसी प्रकार से जो आदेश देंगे उसकी पालना भी करेंगे। लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि और मैं नहीं, अगर हमारी पार्टी को टिकट जितानी है तो इनके पास में भी कोई आज सरकार नहीं है, लेकिन पहले सरकार थी, इनके पास में CID सिक्योरिटी, इनके अच्छे मैं कहूँ कि राजनीतिक लोग भी हैं, उनसे भी अपनी ये इंक्वायरी करवा करके देखें। यहाँ अगर टिकट निकालने का काम करूँगा तो मैं करूँगा, बाकी पार्टी की अपनी मर्जी की बात है। मैं ये कहूँगा कि पार्टी मुझे टिकट देगी और यहाँ से हम जीत करके जाएंगे। और उसके बाद में जिस इस प्रकार का आप विधानसभा के चुनाव आए, मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ से टिकट दी गई, मैं जीत करके जाऊँगा, तो पार्टी को पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारी जिस प्रकार की 9 सीट है, 9 की 9 हम जीतने का काम करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे लोकसभा के चुनाव पहले होंगे और विधानसभा के अगर बाद में होंगे तो कहीं ना कहीं विधानसभा में भी आपकी पार्टी मजबूत होगी, वो भी एक कार्य करेंगे। वो इसीलिए तो लगे हुए हैं ना कि हमें पार्लियामेंट का चुनाव भी भले होगा और उसमें हम जीतेंगे, तो उसके बाद में अपने आप विधानसभा के चुनाव में हमारा बड़ी अच्छी, मैं ये कहूँ कि एक इतनी लोगों में एक खुशी जाहिर होगी, क्योंकि मेरे बनने से, मैं ये बात नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़े घर से हूँ, मैं एक मामूली सा परिवार में पैदा हुआ, राजस्थान में पैदा हुआ, लेकिन जिस प्रकार का आज आपके साथ में प्यार है वो इसलिए प्यार है कि आपने एक इतना बढ़िया पौधा लगाने का काम किया। 1995 में जिस प्रकार का पौधा आपने दिया यदुवंशी नाम का, उसकी वजह से मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, करने वाला तो भगवान था, लेकिन आज 1995 के बाद में जिस इलाके को काड़ा पानी कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, उस इलाके की हमने तस्वीर बदलने का काम किया। जिस इलाके में चपरासी लगता था, कलरक लगता था, जा कंपाउंडर लगता था, उनको उस इलाके को हमने जिस प्रकार से आज, चाहे IAS की बात करें, चाहे IPS की बात करें, चाहे HAS की बात करें, चाहे IRS की बात करें, और चाहे मिलिट्री में सिपाही लग करके जाता था, आज हम कर्नल NDA में लेफ्टिनेंट बनाने का काम कर रहे हैं। जिस इलाके से IITI की बात करते हैं, उस इलाके में हमने IIT दे करके विदेशों में एक छाप छोड़ने का काम किया है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ पार्टी तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से आपका प्यार, मैंने इस इलाके से लाखों बच्चों को आज शिक्षा दे करके जिस प्रकार से बार रोजगार किया, अधिकारी बनाए, तो ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि शायद ये लोग मेरा पीछे भी, इन लोगों ने मैंने जैसा किया था उस प्रकार का, मैं 9 में भी जिस प्रकार से मैंने जाकर के नांगल चौधरी में चुनाव लड़ा और वहाँ लोगों ने जिस प्रकार से मुझे विधायक बनाया, और उसी को लेकर के जब मेरे को टिकट दी गई मोदी जी की आंधी में, मैं फिर कहता हूँ कि लोग 8-10 लाख वोटों से हारे थे, लेकिन मैं मामूली 46,000 वोटों से दूसरे नंबर पर आया था। तो हम पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले टाइम में हारे हमारी विधानसभा में भी हम अपने कैंडिडेट को जिताने का काम। नहीं, जैसे एक बात और, आम लोगों की चर्चाएं हैं, जैसे कई जगह हमने चर्चाएं सुनी हैं कि राव दान सिंह भी लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ज्यादातर भिवानी में और इधर ही दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कांग्रेस में ये फाड़ तो नहीं हो गई है कि 3 कैंडिडेट एक महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में, कैसे संभव? देखो, वो हर आदमी को अपना राइट, राव दान सिंह भी कांग्रेस के पुराने वर्कर हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन वो भी अपना दावा ठोके, लेकिन जहाँ तक के अगर अंदर से कोई झांक करके देखेगा तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि हमारे रूम में काफ़ी अंतर मिलेगा। मैं तो पार्टी को कहूँगी सर्वे करवा करके देखें, अगर सर्वे में वो अच्छे हैं तो उनको दे, मैं उनसे अगर पार्टी को लगता है कि भाई बहादुर सिंह को देने से फायदा होगा तो मेरे को दे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट में मेरे से बेहतर कैंडिडेट इनके पास में और कोई हो नहीं सकता। नहीं, अगर एक बात और भी सर, अगर जैसे आपको टिकट नहीं मिलती है, अगर यहाँ से अगर कोई कैंडिडेट उतारती है पार्टी आपकी, तो इसके बाद क्या निर्दलीय चुनाव में जाएंगे या फिर पार्टी को ही समर्थन करेंगे? देखो, जहाँ तक बात पार्टी टिकट देगी और पार्टी अगर हमारे किसी वर्कर को टिकट देती है तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि पार्टी वर्कर को अगर टिकट देती है तो मुझे बड़ी भारी खुशी होगी। अगर
बाई प्लेन ला करके किसी को उतारने का काम किया, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि दिल में थोड़ी सी खसक रहेगी। तो इसलिए मैं पार्टी से भी ये कहूँगा कि वर्कर को किसी को भी टिकट दें तो अच्छा रहेगा, अगर किसी बाहर के या बाई प्लेन तारने का काम किया, और जो आदमी लोगों के बीच में रहे, लोगों की दुख सुख में साथी रहे, लोगों की समस्याएं सुने, हर टाइम 24 घंटा उनका दरवाज़ा खुला रहे, अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी विधानसभा में जो आदमी रहे, उसको मैं तो ये कहूँगा कि टिकट उसको देनी चाहिए ताकि लोगों के बीच में रहे। नहीं, जैसे आप ग्राउंड पे जा रहे हैं और आपका ये महेंद्रगढ़ जिला और भिवानी दोनों ही अच्छे खासे आपको अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या मानते हैं लोगों का प्यार कैसा है? लोग कहते हैं कि भी आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जहाँ तक के लोगों का प्यार है वो तो मैंने बता दिया 2014 की, और अभी ताज़ा आपको मैंने दिखाया ना, अभी 15 अगस्त को और 14 जनवरी को एक शराब टूटा था, वो तो मेरे पीछे हाथ पर लग गए, नहीं तो हम अपने वहाँ तुषाम में भी कर करके दिखाते, आप जल्दी दिखा देंगे, फिर हम जाएंगे लोगों के बीच में। अभी पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक आदमी से मिलेंगे। जैसा मैं ये कहूँगा कि अगर पब्लिक भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, मेरी माता और बहनें, वो जैसा आदेश देंगे उसको हम सभी कार्य करेंगे। थैंक यू।